सो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है मैं अपने टाटा के बैच को, टियागो के बैच को, जो है दोनों जो है बोर्ड पे जो लिखे होते हैं उनको ब्लैकआउट करने वाला हूँ, और आपको जो है मेथड्स बताऊँगा डिफरेंट डिफरेंट, और कैसे इसको जो है प्रॉपरली ब्लैकआउट करते हैं जिससे जो है ये जाए ना कभी भी। सो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपने बैचेस को जो है ब्लैक करने के लिए इसीलिए सोचा क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो मेरी कार पे जो है कस्टम ग्राफिक्स हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ग्राफिक्स मैंने अपनी कार पे करवाए हुए हैं और इसमें जो है पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। सो उसको आप देख सकते हैं, आई बटन में वो वीडियो आ रही है। सो यहाँ पर जो है ये भी ब्लैक में ही है और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे को देते हैं ऑरेंज और ब्लैक। सो इसलिए मैं जो अपने बैचेस को भी ब्लैक करने वाला हूँ। सो यहाँ पर जो है मैं अपना टाटा और टियागो के बैच को जो है दोनों को सोच रहा हूँ ब्लैक कर दूँ। सो यहाँ पे जो है इसके ब्लैक करने के लिए तीन मेथड है स्पेशली, एक जो है प्लास्टिक डिप, पर प्लास्टिक डिप जो है मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाया है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, सो उस मेथड के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा जो है विनाइल रैप, सो विनाइल रैप करने के लिए जो है इस बैजेस पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल जो है लोग चाहिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कर्व्स वाला जो है बैच है और इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। सो इसमें जो है हर एक जगह से गैप निकालने के लिए जो है वैक्यूम चाहिए होगा जिससे जो है विनाइल जो है एकदम स्टिक हो जाए इनके साथ, पर वैसा काम भी नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। सो मैं जो तीसरे के लिए जा रहा हूँ जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको रिमूव करेंगे। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, आपको वीडियो में ही बता दूंगा उसको कैसे करते हैं। जो स्टेप मैं जो है करने वाला हूँ, जिसको प्रोसेस को फॉलो करने जा रहा हूँ, उससे करने से पहले जो है हमें जो है मास्किंग करनी पड़ेगी अपने बैजेस के इर्द गिर्द। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों जो है टेप्स जो है मैंने मास्किंग टेप ले ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये टेप जो है बिल्कुल जो है पास में लगानी है बैच के, जिससे जो है हम जब इसको फिर से वापस लगाएंगे गाड़ी पे तो ये बिल्कुल सही जगह पे जो है अलाइन हो। और ये जो स्टेप ज़रूरी है अगर आप अपने बैजेस को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिस अलाइन हो जाएंगे ये तो बहुत बुरे लगेंगे, दूर से ही पता लग जाएगा कि ये फिर से लगवाया हुआ है बैच। सो आप जो है मास्किंग कर लें, और यहाँ पर जो है मैं टियागो के ऊपर मास्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो है काफ़ी क्लीन लुक जो है पसंद आ रहा है इसका। सो मास्किंग करने के बाद जो है मैं इसको जल्दी से रिमूव कर रहा हूँ। सो रिमूव करने के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एनवेलप्स को जो है कैसे रिमूव करते हैं प्रॉपरली। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आई बटन में आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको जो है बिल्कुल प्रोसेस नहीं बताऊँगा कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो ये वीडियो। सो चलिए जल्दी से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है एम्बलम्स जो है निकाल लिए हैं, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लू रह गई है यहाँ पे। सो इसको रिमूव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगा जो कि जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं दी थी, क्योंकि उसमें मैंने कोई भी स्पेशल टूल्स वगैरह मेंशन नहीं किए थे। पर अगर आपके पास हीट गन है या किसी भी टाइप का हीट का सोर्स है तो आपको हीट गन से जैसे हीट देनी है, और साथ में जो है कंटिन्यूस वाटर भी रखना है आपको, जिससे जो है पानी सूखे ना, मतलब बिल्कुल ड्राई ना हो जाए ये ग्लू, और पानी भी स्प्रे करते रहना, हीट भी करते रहना इसको साथ साथ में ही। और उसके बाद जो आपको एक पेन लेना है और उसमें से रिफिल निकाल देनी है, और उससे फिर रब करके आपको निकालनी है ये, जिससे जो है काफ़ी इजीली ये निकलाए। और रब करने वक्त ध्यान रखेगा कि पानी जो है कंटिन्यूस आप इस पर बनाए रखें, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो ये जो है पेन जो है स्क्रैच करेगा हमारे पेंट को, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे एम्बलम्स वगैरह हमने निकाल लिए हैं और मैंने ग्लू जो है वो भी हटा दी है, और अब आप देख सकते हैं टियागो के नीचे जो है, मतलब जहाँ के टियागो का बैच था उसके नीचे जो है बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बैच भी कोई लगा था। सो इतने अच्छा जो है ये साफ़ हो जाता है इस मेथड से। सो अब मैं जो हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो कि है पेंटिंग का। सो यहाँ पर आपको कोई भी नॉर्मल सा स्प्रे पेंट कैन ले लेना है पेंट करने के लिए, और उससे पहले जो है आपको अपना जो बैच है, जैसे कि यहाँ पर टाटा का बैच मैं पेंट करने वाला हूँ, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। सो
सोपी वाटर और किसी भी ब्रश वगैरह से यूज़ कीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीप एरिया है इस जैसे बैच में जो है ये टाटा का जो टी है इसमें काफ़ी डीप एरिया है और वहाँ पे उंगली तक नहीं पहुँचती है ना कपड़ा जाता है, तो वहाँ पे आप ब्रश से जो है साफ़ कीजिएगा इसे, जिससे जो कोई भी डर्ट वगैरह ना रहे। और अगर आपका जो है बैच बिल्कुल नया है, मतलब बिल्कुल शाइनी है, उसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, तो आप उसको किसी रफ़ कपड़े से जिसमें मतलब धूल मिट्टी लगी हो उसके थोड़ा रब कीजिएगा, जिससे जो है स्क्रैच लाइट स्क्रैच आ जाए हमारे बैच के ऊपर, जिससे जो है पेंट को कोई स्टिक करने के लिए सरफेस मिल जाए। सो अब जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा जो है पेंटिंग का। सो पेंटिंग के जो है बेसिकली 3 कोट्स में करूँगा। फर्स्ट वन जो है जो बिल्कुल नॉर्मल कोट होगा, मतलब कोई भी उसमें अननेसेसरी मतलब पेंट ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल लाइट कोट होगा। दूसरा जो है कवरेज कोट, मतलब उसमें जो है हमें सारा एरिया कवर करना है। और थर्ड वन होगा हमारा जो है थिक कोट होगा। सो यहाँ पे जो है आपको ध्यान पेंटिंग में यही रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन वाला बैच है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको जो है पेंट करते रहना है, जिससे जो कोई भी कोना जो है हमारा बचे ना पेंट करने से। सो चलिए पेंटिंग का प्रोसेस भी देखते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद। सो गाइज़ आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हैं, पर सब्सक्राइब काफ़ी कम लोगों ने किया हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है और अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे फर्दर अपडेट्स फ्यूचर में देखने के लिए। Ryan, और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डबल साइडेड टेप लगाने का। सो यहाँ पे जो है मैं 3M की डबल साइडेड टेप लगा रहा हूँ। ये मैंने काफ़ी बड़ा रोल लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को काम आती रहती है ये टेप। सो आप इसका जो है छोटा रोल भी ले सकते हैं, 120 का भी आ जाता है ये, पर ये वाला बड़ा है तो ये 320 का है। सो उसको जो है आपको अब यहाँ पर मेन जो है फोकस करना है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है टाइम ले कर जो है इसको कट करना है, जिससे जो है कहीं भी एरिया से जो है अननेसेसरी टेप रह ना जाए और वो बाद में फिर कटेगी भी नहीं गाड़ी। सो इसमें जो है आपको स्टेप लेना है, मतलब बिल्कुल टाइम लेके जो है ये काम करना है। सो इसको चिपकाने के बाद जो है आपको थोड़ा देर जो है इसको दबाना है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जिससे जो है ग्लू जो है अच्छी तरह से चिपक जाए हमारे पेंट के साथ और कहीं भी वो फिर निकलने का डर ना रहे हमारा। पहले जो क्रोम वाला था वो जो है इतनी अच्छा लुक नहीं देता था मेरे ख्याल से, और इतनी दूर से ये दिखता भी नहीं था। ये ऑरेंज जो है, ऑरेंज के ऊपर जो कार का कलर है, ये दूर से ही दिख रहा है हमारा टाटा का बैज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे आप फर्दर अपडेट्स देखते रहें। और कुछ भी आपको बात समझ आई है इस वीडियो में मैंने क्या बोला है, तो इस वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Ryan, Little.